वेलकम गाइस, जयश्री टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। इंजीनियरिंग ड्राइंग का टॉपिक है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, और ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर आज का अपना टॉपिक रहेगा ड्राइंग पेंसिल्स। पेंसिल्स जो है ड्राइंग के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। पेंसिल किस तरीके से बनाई जाती है, पेंसिल की कौन कौन सी ग्रेड होती है, उन सब के बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। तो ड्राइंग पेंसिल जो है, देखिए पेंसिल जो है बेसिकली दो तरीके से बनी होती है, दो इंग्रेडिएंट से मिली होती है। ये जैसे मान लो आपके पास एक पेंसिल है, ठीक है ना, तो पेंसिल में ये वाला हिस्सा तो होता है किसका, लकड़ी का, ठीक है। और इसके अंदर ये जो ब्लैक कलर का जो आर पार जो है ब्लैक कलर का, इसके अंदर जो आप यहाँ तो दिखेगा नहीं आपको, ठीक है, यहाँ पे जब छीलते तो दिखता है ना, ये ब्लैक कलर का जो है इसे हम बोलते हैं लीड। तो ये दो चीजों से मिलके बन गया, लकड़ी से और लीड से, ठीक है। और जो आपका जो लीड है, ब्लैक कलर का जो लीड है, ये लीड आपका मिलके बना होता है दो चीजों से, और वो दोनों चीजें हैं आपकी, एक तो है आपकी काओलिन और दूसरा है आपका ग्रेफाइट। इन दो इंग्रेडिएंट से मिलकर के आपकी लीड बनी होती है। तो काओलिन और ग्रेफाइट ये दोनों ही इंग्रेडिएंट्स जो है ये इसके अंदर क्या काम करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। काओलिन जो है ये पाउडर के रूप में, मिट्टी के रूप में दानेदार होता है, और ग्रेफाइट एक सॉफ्ट आइटम होता है। ग्रेफाइट का मेन जो पर्पज़ है ये ब्लैकनेस करता है। पेंसिल से जो ब्लैक कलर जो छोड़ती है पेंसिल, जो ब्लैक कलर लिखा जाता है वो ग्रेफाइट की वजह से होता है। और पेंसिल की कठोरता, पेंसिल की हार्डनेस जो है वो डिपेंड करती है आपकी इस काओलिन के ऊपर। जितनी ज्यादा काओलिन की मात्रा होगी उतनी ही ज्यादा आपकी पेंसिल हार्ड होगी। हार्ड और सॉफ्ट से मेरा मतलब ये है, आपने देखा होगा कई एक पेंसिल इस तरीके से होती है कि जब आप उनको लिखते हो ना, तो लिखते के साथ में बहुत, मतलब जो यहाँ पे जो रंग जो छोड़ रही है कलर ब्लैक, ये काफ़ी ज़्यादा छोड़ती है, एकदम ब्लैक ब्लैक कर देगी आपको। तो वो जो पेंसिल है वो ब्लैक सॉफ्ट पेंसिल के अंतर्गत आएगी। और कुछ एक पेंसिल जो है वो इस प्रकार से होती है कि आप उनको कितना भी ज़्यादा दबा कर लिखिए, कितना भी दबा करके आप उसको लिखिए, वो पेंसिल आपकी यहाँ पे कलर नहीं छोड़ती हैं, अपितु उसके बजाय कलर न छोड़ने के बजाय क्या करती हैं, वो जो आपका ड्राइंग सीट है या ड्राइंग पेपर है उसके ऊपर एक निशान छोड़ देती हैं, लेकिन कलर नहीं छोड़ती हैं। तो ये उनके हार्ड और ब्लैकनेस, ब्लैकनेस को ही यहाँ पे सॉफ्टनेस बोला गया है, ब्लैक हार्डनेस और सॉफ्टनेस को शो करती हैं। तो ये आपकी जो पेंसिल है, इस पेंसिल का यहाँ पे जो साइज होता है, साइज के बारे में भी चर्चा करते हैं। यहाँ इसका जो क्रॉस सेक्शन जो है पेंसिल का, ये क्रॉस सेक्शन आपको नॉर्मली तीन तरीके से मिलता है। या तो आपको मिलेगा ये हेक्सागोनल, षटभुजाकार आकृति में इस तरीके से, या फिर आपको ये मिलेगा ट्राइंगुलर आकृति में इस तरीके से मिलेगा आपका ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला, ठीक है। इससे क्या है, इस ट्राइंगुलर सेक्शन से या फिर हेक्सागोनल सेक्शन से जो पेंसिल है वो क्या है, पकड़ने में जो ग्रिप है, ग्रिप अच्छी बन जाती है, ठीक है। और तीसरा प्रकार जो आपको नॉर्मली देखने को मिल जाता है वो है आपका राउंड शेप क्रॉस सेक्शन, ये गोलाई में होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट चीज देखते हैं। ये पेंसिल का एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अब है आपकी पेंसिल की ग्रेड। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा जब आप स्कूल डेज के अंदर थे, तो HB पेंसिल आती थी आपकी, एक कौन सी, HB पेंसिल का जो फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है हार्ड बॉन्ड। कई बुक्स के अंदर हार्ड ब्लैक भी लिखा हुआ है, तो ये HB का फुल फॉर्म है। ये HB जो है ये पेंसिल की ही एक ग्रेड है, पेंसिल की ग्रेड है। HB, फिर B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B और 7B। B से उधर की तरफ चलते गए, इधर की तरफ जब अपन आएंगे तो अपना आएगा H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H और 9H। ये सारी की सारी आपकी पेंसिल्स की ग्रेड हैं,
सारी की सारी आपकी पेंसिल की ग्रेड है, और हर प्रत्येक जो पेंसिल है वो अपने अपना एक अलग इम्पोर्टेंस रखती है, अलग अलग जगह पे वो यूज में आती है, ठीक है। तो इनको आप छः छः, इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अपन 9H से स्टार्टिंग करके और 4H तक एक पेंसिल का ग्रुप ये हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से किधर से स्टार्ट करते हैं, 2B से लेकर के 7B तक, ठीक है। और फिर रही गई बीच की पेंसिल, आ गई ये बीच वाला ग्रुप। अब मैंने आपको बताया HB का मतलब क्या होता है, हार्ड बॉन्ड या हार्ड ब्लैक, ठीक। जैसे 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 HB पेंसिल जो है, आप इसको मीडियम, ये मीडियम पेंसिल है HB पेंसिल आपकी, जैसे जैसे इसके अंदर B की मात्रा बढ़ती जाएगी ना, जैसे B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, तो यहाँ इसका ब्लैकनेस बढ़ती जाएगी। ब्लैकनेस बढ़ती जाएगी मतलब इसका सॉफ्टनेस, इसकी मुलायमता बढ़ती जाएगी। तो अगर मैं बात करूँ HB पेंसिल और 7B पेंसिल की, तो 7B पेंसिल जो है, 7B पेंसिल आपकी सबसे ज्यादा कलर देगी, 7B पेंसिल सबसे ज्यादा कलर देगी, ये सबसे ज्यादा सॉफ्ट पेंसिल है 7B आपकी, जितनी भी आपके पास में ग्रेड होती हैं, ठीक है। और इधर की तरफ आप आओगे HB से इधर की तरफ, तो H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H और 9H, यहां से देखो आप H की मात्रा बढ़ती जा रही है, H फॉर हार्डनेस, मतलब जैसे जैसे आप इधर की तरफ आते जाओगे आपकी जो पेंसिलों की जो हार्डनेस है वो बढ़ती जाएगी। तो इस हिसाब से सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी रही आपकी, 9H, तो ये हार्डेस्ट पेंसिल है, हार्डेस्ट पेंसिल ग्रेड। और ये 7B क्या है आपकी, सॉफ्टेस्ट पेंसिल ग्रेड, ठीक है गाइज। तो ये 6 पेंसिल इधर से हैं, 6 पेंसिल उधर से हैं, और ये 6 पेंसिल बीच में है, लेकिन बीच में तो 6 नहीं है, आप गिनो एक बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 पेंसिलों का एक ग्रुप हो गया। राइट हैंड की तरफ से देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पेंसिल का ये ग्रुप हो गया, ठीक है। लेकिन क्या बीच में भी 6 पेंसिल है, 1, 2, 3, 4, 5, बीच में तो एक पेंसिल कम है ना, तो बीच वाले ग्रुप को कंप्लीट करने के लिए इसमें एक और एक्स्ट्रा पेंसिल डाली जाती है, और वो है F पेंसिल। कौन सी पेंसिल है, F पेंसिल। इधर की तरफ देखिए आप, सारी B ग्रेड वाली पेंसिल है, तो ये जो है ये सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल है, सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल। इधर की तरफ जो है H वाली, 6 जो पेंसिल है 4H से लेकर के 9H तक की, ये है आपकी हार्ड ग्रेड पेंसिल्स। और बीच में जो है ये है आपकी मीडियम ग्रेड पेंसिल्स, ठीक है। इस तरीके से इनका ग्रुप डिवाइड किया हुआ है। एफ पेंसिल एक एक्स्ट्रा पेंसिल है जो मीडियम ग्रेड पेंसिल के अंदर जोड़ी गई है। इन पेंसिलों का अलग अलग कार्य होता है, ठीक है। तो थोड़ी सी मैं इसके ऊपर चर्चा करता हूं पेंसिलों के ऊपर। एच पेंसिल और 2H पेंसिल जो है आपकी, ये इनिशियल वर्क किसी भी ड्राइंग का, जब अपन ड्राइंग बनाते हैं तो ड्राइंग का जो स्टार्टिंग जो करते हैं ना, उसे इनिशियल बोलते हैं। इनिशियल वर्क स्टार्ट करने के काम आती है। मतलब H और 2H पेंसिल से स्टार्टिंग में अपन क्या करते हैं कि जैसे मान लो अपने को किसी भी चीज की ड्राइंग बनानी है, तो स्टार्टिंग में H और 2H पेंसिल इस तरीके से यूज लेते हैं। H और 2H पेंसिल क्या है, ये एक तरीके से आप इसको आधा कच्चा काम मान लो, तो ये क्या फाइनल ड्राइंग नहीं होती है ये, ठीक है। और जब आप इनिशियल वर्क स्टार्ट कर देते हो, प्रारंभिक कार्य H या 2H पेंसिल से बना देते हो, तो इसको फाइनल ड्राइंग जब आप बनाओगे कि भाई आपको लगे कि भाई हाँ इसमें कोई गलती नहीं है, और अब आप इसको फाइनल ड्राइंग में बनाना चाह रहे हो, तब आप इसके अंदर यूज करोगे कौन सी पेंसिल, 3H पेंसिल। 3H पेंसिल यूज करने के बाद में ये आपका जो जो रा ड्राइंग थी, कच्ची ड्राइंग जो थी, ये कंप्लीट और कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो फाइनल वर्क के लिए अपन कौन सी पेंसिल यूज लेंगे, फाइनल वर्क के लिए अपन यूज लेंगे 3H पेंसिल, ठीक है। इसी प्रकार से H पेंसिल और HB पेंसिल, H पेंसिल और HB पेंसिल का जो बेसिक जो कार्य होता है, मेन काम, वो होता है आपका लेटर राइटिंग का, लेटर राइटिंग अक्षरों को लिखने का, और दूसरा काम होता है इसका डायमेंशनिंग का,
डायमेंशन मतलब विमांकन का, विमाओं को लिखने का, विमाओं को बनाने का जो है वो एच और एचबी पेंसिल से किया जाता है। एचबी पेंसिल का एक जो सबसे बढ़िया, जो सबसे ज्यादा यूज में जो आती है एचबी पेंसिल, वो इसका यूज है आपका कि एचबी पेंसिल से आप फ्री हैंड स्केच जो भी आप बनाओगे उसमें आप कौन से ग्रेड की पेंसिल यूज करनी है, एचबी ग्रेड की पेंसिल यूज करनी है। तो ये इनका प्रायर यूज था, प्रारंभिक यूज थे पेंसिल्स के, ठीक है, एच टू एच का, थ्री एच का, एचबी का, ये इनका बेसिक यूज था, ठीक है। अच्छा, किसी भी पेंसिल से एक सुंदर और अच्छी ड्राइंग प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि आपकी जो पेंसिल है ना, पेंसिल की जो लीड है, पेंसिल की लीड अच्छे से शार्प की हुई हो, ठीक है, उसको एक तरीके से अच्छे से शार्प किया हुआ हो और वो एक समान चलनी चाहिए। विशेष बात है, क्या चलनी चाहिए, वो एक समान, यूनिफॉर्म, एक समान पेंसिल चलनी चाहिए। जैसे मान लो ये मेरी एक पेंसिल चली, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तो इसकी जो जो विड्थ है जो कम ज्यादा, ज्यादा आ रही है, गहरी आ रही है और यहाँ पे आकर के हल्की आ रही है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। एक समान फॉर्मेट होना चाहिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक समान पेंसिल चलनी चाहिए आपकी, ठीक है, और लाइन में किसी प्रकार का कट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तो पेंसिल इतनी मोटी चल रही है, यहाँ पे जैसे मान लो हल्की सी बारीक चल रही है फिर मोटी चल रही है, इस तरीके से भी पेंसिल आपकी नहीं चलनी चाहिए। तो यूनिफॉर्म पेंसिल चलनी चाहिए आपकी, ठीक है। और इसके लिए अपन क्या करते हैं कि जो पेंसिल की जो लीड है ना, जैसे ये मान लो जो पेंसिल है, पेंसिल की जो आगे की जो ब्लैक कलर की जो लीड है, उस लीड को अपन दो तरीके से बनाते हैं, लीड को दो तरीके से बनाते हैं। जैसे ये आपकी लीड है ना, इसको दो तरीके से, कौन कौन से तरीके से बनाते हैं, इसमें एक तो होता है आपका, मैं यहीं पर लिख देता हूं, पेंसिल की लीड के लिए एक तो होता है आपका कोनिकल शेप, कोनिकल शेप लीड। कोनिकल शेप लीड में क्या है, जो आपकी जो पेंसिल की जो लीड है ये शंकु आकार में शार्प की जाती है, ठीक है। और जो दूसरे तरीके की जो आपकी लीड होती है, दूसरे तरीके की आपकी लीड होती है, वो होती है आपकी चीजल हेड, चीजल शेप, चीजल शेप लीड। तो फिलहाल जो मैंने यहां पे बनाई हुई है ये कौन सी है, आप देख के बताओ, कोनिकल शेप है लीड है या फिर चीजल शेप लीड है ये। तो गाइस ये जो है, देखिए यहां पे रेक्टेंगुलर शेप बन रहा है ना, फ्लैट है एकदम, तो फ्लैट है, तो ये चीजल हेड है, ये वाला जो पेंसिल का जो लीड है वो चीजल शेप लीड है, चीजल की आकृति की है। और कोनिकल शेप किस तरीके से होगी, तो मैं यहीं पर बना देता हूं कोनिकल शेप भी, कोनिकल शेप आपकी इस तरीके से होगी, ये शंकु आकार में, ये कौन सी है आपकी, कोनिकल शेप है, और ये वाली कौन सी है आपकी, चीजल शेप है, ठीक है। चीजल शेप जब आप बनाओगे ना लीड को, जब चीजल की आकृति में ढालोगे, तो कैसे ढालोगे आप, जो आपके पास में जो सैंड पेपर का जो ब्लॉक है ना, सैंड पेपर के ब्लॉक के ऊपर आप उसको यू हाफ राउंड में यू घुमा करके, जैसे मान लो ये मेरा मेरा सैंड पेपर का ब्लॉक है, तो इसके ऊपर यू घुमा घुमा करके इसको दोनों तरफ से, और उसके ऊपर मैं एडजस्ट करके, और ये मेरा जो लीड है, लीड का शेप दूंगा चीजल हेड में, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, पेंसिल को जब आप शार्प करोगे ना, पेंसिल को जब आप छीलोगे, तो छीलने के लिए अपन एक यूज में लेते हैं पेन नाइफ, क्या काम में लेते हैं, पेन नाइफ। पेन नाइफ क्या चीज होती है, इसके अंदर क्या एक पत्ती सी होती है जो शार्प होती है, जिसकी सहायता से अपन पेंसिल को छीलते हैं, वो पेन नाइफ कहलाता है। आपने देखा होगा अपनी इंजीनियरिंग की क्लासों के अंदर, वो पेन नाइफ कहलाता है, ठीक है। और देखो यहां पर भी एक चीज और है कि ये जो लीड जो आगे निकली हुई होती है ना, ये आगे कितनी निकली होती है, ये आगे निकली होती है लगभग आपकी 10 mm, कितने एमएम बाहर निकली हुई होती है, 10 mm। और जो पेंसिल ये जो छिली हुई होती है आपकी लकड़ी जो छिलती है, ये होती है आपकी 15 से 20 mm, ठीक है गाइस। थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पे कि जो लीड जो है वो तो होती है 10 mm, छील करके लगभग 10 mm, कम बत्ती भी हो सकती है, लेकिन 10 mm का आइडिया स्टैंडर्ड बुक्स में लिया गया है। और 15 से 20 mm ये लकड़ी छिलती है आपकी, जो वुड है वो लकड़ी जो छिलती है वो 15 से 20 mm तक की छिलती है, ठीक है गाइस। तो ये आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर ड्राइंग पेंसिल्स के बारे में था।
ठीक है, पेंसिल की शेप किस तरीके से थी, उसका जो लीड कैसे बना होता था, पेंसिल्स की ग्रेड क्या क्या थी और पेंसिल्स का मेजर यूज क्या क्या था, ठीक है गाइस। चलिए तो गाइज अपना नेक्स्ट जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है वो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है आपका मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है। अब ये ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट जो है इसको आप ध्यान से समझिएगा। अब आप ये मान लीजिए कि ये जो मेरा व्हाइट बोर्ड जो है ना, ये व्हाइट बोर्ड तो है मेरा ड्राइंग का बोर्ड, ठीक है, और यहाँ पे मैं जैसे कि सीट रख करके और ड्राइंग मेरे को बनानी है, आप इसको ऐसे मान के चलिए। तो ये जो मिनी ड्राफ्टर जो है ये क्या चीज़ है, देखिए मिनी ड्राफ्टर में अब ये पूरा का पूरा बोर्ड है, आप इमेजिनेशन कर लीजिए ठीक से। यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे यू लगा दिया, ये इस तरीके की ग्रिप थी ये इस तरीके से, तो एक ग्रिप इसको यू जकड़ लिए, ग्रिप यू जकड़ करके और यहाँ पे ये मैंने स्क्रू टाइट कर दिया, ठीक है, यहाँ से टाइट हो गई। अब इसमें ये एडजस्टिंग स्क्रू है, लिख देता हूं मैं इसको एडजस्टिंग स्क्रू। इस एडजस्टिंग स्क्रू के साथ के पास में ये जो आपका ब्लॉक है, इस ब्लॉक में से ये आ रही है आपकी पैरेलल पैरेलल स्टील लेग, इसको हम बोल देंगे इस तरीके से। ये क्या चीजें हैं आपके पास में, पैरेलल स्टील लेग्स, ठीक है ना, स्टील की बनी हुई टांगे होती है पैरेलल पैरेलल, ये दोनों आपस में समांतर हैं और ये दोनों आपस में समांतर है, ठीक है गाइस। यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये जो लेग है दो, ये स्टील की, ये यहाँ पे आकर के जुड़ी होती है, ये इधर से भी यहाँ पे जुड़ी होती है, ठीक है। तो जैसे अपना ये एल्बो जॉइंट है ना, कोनिका जॉइंट है, इस तरीके से ये आ जा सकता है ना यहाँ पे इस तरीके से, सेम टू सेम ये एल्बो जॉइंट की तरह काम करता है। यहाँ पे शोल्डर से जुड़ा हुआ है, ये जैसे शोल्डर से जुड़ा हुआ है और ये यू मूवमेंट कर सकता है ना, उसी प्रकार से ये यहाँ से ये यू इस तरीके से मूवमेंट कर सकता है, साथ ही साथ ये यहाँ से भी मूवमेंट कर सकता है, मतलब आप इस पूरे सिस्टम को ऊपर ले जा सकते हो, नीचे और नीचे ले जा सकते हो, और ये यहाँ पर भी जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये जो स्टील लेग्स आ रही हैं यहां पे, ये जो है आपका, ये जो पैमाना बना हुआ है, ये है आपका प्रोटेक्टर हेड। ये प्रोटेक्टर हेड है, चांदा है, एंगल्स मापने के लिए, कोणों को बनाने के लिए है, ये वाला जो राउंड वाला जो है, ये इसमें नाप लिखी होती है डिग्री के अंदर, 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक, ठीक है गाइस। तो ये प्रोटेक्टर हेड का काम करता है। और इधर की तरफ ये जो दो ब्लेड्स हैं, ये एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, ये कितने डिग्री पर हैं, 90 डिग्री पर हैं ये दोनों के दोनों ब्लेड। ये ब्लेड आपकी बनी होती है सेलुलॉइड की या फिर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की, ठीक है ना, इस प्लास्टिक में से आर पार दिख पाता है। और इधर की तरफ ये पैमाना लिखा होता है, नाप लिखी होती है एमएम सेंटीमीटर के अंदर। और ये क्या है, ये जो है जॉइंट, ये पूरे के पूरे ये फिक्स होता है, ये जो 90 डिग्री है ये हमेशा फिक्स रहता है, आप इस पूरे को यू घुमा सकते हो, ये ऐसे जो है यू घूम जाएगा, कैसे भी घुमा लो, ठीक है। तो ये जो आपका पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट है ये मिनी ड्राफ्टर कहलाता है। ये आपका जो है ये एक तरीके से ये क्या है आपका स्केल है, ठीक है ना, और ये आपका एज ए सेट स्क्वायर भी वर्क करेगा। आप इससे, आप इसको मैंने बताया ना आपको कि आप जैसे ये है आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, ये वाला एडजस्ट, यहाँ पे एडजस्टिंग स्क्रू है, आप इसको यू भी कर सकते हो, एंगल पे घुमा सकते हो, एंगल पे घुमा करके और पैरेलल लाइन खींच सकते हो। तो किसका वर्क करेगा ये, सेट स्क्वायर का वर्क करेगा आपके पास में, ठीक है। तो गाइज अब आप देखिए इसको कि ये जो आपका मिनी ड्राफ्टर है ना, ये मिनी ड्राफ्टर आपका स्केल का भी कार्य कर रहा है, फुटे का, पैमाने का, आपके प्रोटेक्टर चंदे का भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है, और सेट स्क्वायर का भी आपका कार्य ये कर रहा है। तो ये एक से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट का काम ये मिनी ड्राफ्टर जो है आपका अकेले ही कर पाता है और सबसे ज़्यादा यही काम में आता है, ठीक है गाइस। तो ये था आपका मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर के बाद में नेक्स्ट आपका ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है, वन
तो गाइज मिनी ड्राफ्टर के बाद में ड्राफ्टर, जैसे ये ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग का बोर्ड मान लो आप इसको, ड्राफ्टर आपने सेट कर दिया, तो ड्राइंग जो आप बनाओगे किस पे बनाओगे, ड्राइंग पेपर या ड्राइंग सीट के ऊपर आप बनाओगे, तो ड्राइंग की सीट को भी तो आप किसी ना किसी माध्यम से यहाँ पे उसको चिपका के रखोगे या फिर उसको यहाँ पे टिका के रखोगे, ठीक है। तो उसके लिए जो काम में आता है वो है आपका, नेक्स्ट ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है आपका ड्राइंग पिन, ड्राइंग पिन, ठीक है ना, ड्राइंग पिन बोल दो या फिर इसको टेप भी बोलते हैं, इसको कई बार टेप, सेलो टेप ही होती है एक तरीके से, ठीक है, ड्राइंग पिन बोल दो, टेप बोल दो या फिर क्लिप बोल दो, क्लिप, सी एल आई पी, क्लिप। ड्राइंग पिन, सेलो टेप और क्लिप, इन तीनों का ही कार्य ये है कि जो ड्राइंग बोर्ड है ना, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर जैसे मान लो आपकी यहाँ पे सीट है, ठीक है, इस सीट को यहाँ पे स्थिर रखने के लिए, फर्म रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए अपन इन चीज़ों का यूज करते हैं। ड्राइंग पिन क्या होते हैं, स्टील की छोटी छोटी पिनें होती हैं, इस तरीके से आती हैं, ठीक है, ये ड्राइंग पिन है। ये ड्राइंग पिन क्या है, क्योंकि आपको पता है ड्राइंग का जो बोर्ड है ना वो सॉफ्ट सॉफ्ट लकड़ी का बना होता है, तो ये जो पिन है ड्राइंग की पिन, जैसे ड्राइंग की पिन एक यहाँ लगा दी, एक यहाँ लगा दी, ठीक है, इस तरीके से तीन चार कोनों में लगा करके, और आपकी ड्राइंग की जो सीट है, ड्राइंग पेपर जो है उसको आप स्थिर कर देते हो ड्राइंग बोर्ड के ऊपर, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से जो सेलो टेप है, आपको पता है टेप है, तो टेप का कार्य क्या है, ये चिपक जाती है इसके ऊपर, सेलो टेप जो अपन नॉर्मली यूज करते हैं वो टेप इसके ऊपर चिपका देते हैं, तो भी आपकी ड्राइंग की सीट इसके ऊपर स्थिर हो जाएगी। तीसरी चीज़ है आपकी क्लिप, क्लिप क्या होती है, क्लिप देखो ये भी स्टील की बनी होती है, इस तरीके के फॉर्मेट होता है इसका, इसका जो डिजाइन है ना वो डिजाइन में ही इसका वर्क छिपा होता है, किस तरीके से है? देखो ये स्टील की बनी होती है, ये डिजाइन यहाँ से देखो यू कंटूर टाइप में है, कंटूर में, तो इसको मैं यहाँ पे जैसे मान लो मैं इसको यहाँ पे मेरा ड्राइंग का पेपर है, मैं इस क्लिप को यू लगा दूंगा इसके अंदर, इस तरीके से यू लगा दूंगा, तो क्लिप को लगाने के बाद में क्या है, आपका जो क्लिप है आपके ड्राइंग बोर्ड और पेपर को एक जगह क्या कर देगी, फिक्स कर देगी, ठीक है ना, फिक्स कर देगी, फर्म कर देगी, स्थिर, दृढ़, ठीक है, एक जगह पे आपकी कर देते हैं। तो ये था आपका ड्राइंग पिन या क्लिप वगैरह, ठीक है। इसी के बाद में आपका एक लास्ट, जो सबसे लास्ट का जो आपका ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बचा है, वो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है आपका रोल एंड ड्रा, रोल एंड ड्रा। रोल एंड ड्रा में क्या है गाइज कि इसमें ये कोई विशेष अलग से काम नहीं है इसके अंदर, ये इस तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट बना होता है, इसमें क्या है, यहां पे एक रोलर लगा होता है, यहां पे ये जो है ये क्या है, एक रोलर है, ठीक है ना, इस रोलर को रोल करते जाओ, यहां पे लिखा होता है इसके अंदर क्या, पैमाना, पैमाना लिखा होता है इसके ऊपर, एमएम में, सेंटीमीटर में, इसको मैं रोल करूंगा, आगे पीछे सरक जाएगा ये, और आप लाइनें यहाँ पे ड्रा कर सकते हो। तो ये है आपका रोल एंड ड्रा, जैसे कि इसका नाम है, रोल करो और लाइनों को ड्रा करो। तो गाइस ये आपका फर्स्ट टॉपिक था इंजीनियरिंग ड्राइंग में, जो अपनी लॉकडाउन की जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसमें पहला टॉपिक था आपका ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर अपन ने लगभग लगभग सभी जो इंस्ट्रूमेंट थे उनको अपन ने कवर कर लिया है, ठीक है गाइस। अगर